उत्तर प्रदेश की ये लड़कियां आज दक्षिण भारत पर राज कर रही हैं। साउथ की फिल्में अब देश विदेश में बहुत ही ख्याति प्राप्त कर रही है। ये फिल्में डब करके हिंदी सहित अन्य भाषाओं के दर्शकों तक पहुंच रही है। अपने एक्शन व स्पेशल कहानियों के लिए तो साउथ की फिल्में जानी जाती रही हैं। खूबसूरत हीरोइनों के लिए भी खासी चर्चा में रही है। हालिया उदाहरण बाहुबली ही है। यहाँ हम कुछ यूपी की हीरोइनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अभिनय से साउथ की फिल्मों में अपने कदम जमा लिए हैं। एक, सोनल चौहान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मी सोनल बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। ये एक फैशन मॉडल और एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। इन्हें आपने साल 2008 में बॉलीवुड की जनत फिल्म में देखा होगा। इस फिल्म के बाद इनको साउथ फिल्मों से अच्छे ऑफर आने लगे। इन्होंने साल 2008 में ही तेलुगु फिल्म रेनबो से डेब्यू किया और वहां अपनी खास जगह बना चुकी हैं। हालांकि बॉलीवुड में इनकी एक्टिंग गाड़ी खास नहीं चली। दो, श्रिया सरन भटनागर। श्रिया सरन साउथ फिल्मों की नामचीन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म विभाजित उत्तर प्रदेश के देहरादून अब उत्तराखंड में सन 1982 को हुआ था। इन्होंने तेलुगु फिल्म इष्टम से फिल्मी पर्दे पर डेब्यू किया और बहुत सारी सफल फिल्में की। इनकी सफलता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने रजनीकांत के साथ की फिल्म शिवजी द बॉस में जबरदस्त अभिनय से अपनी पहचान बनाई। इन्हें आज वहाँ टॉप की हीरोइनों में शुमार किया जाता है। तीन, दिशा पाटनी। दिशा पाटनी को आज कौन नहीं जानता है। जबरदस्त हिट रही फिल्म महेश धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जबकि इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत साल 2015 में तेलुगु फिल्म लोफर से की थी। साउथ की फिल्मों में सफलता के कारण ही बॉलीवुड में इनका रास्ता आसान हो गया। इन्हें आप जल्द ही अगली फिल्म बागी 2 में देख सकते हैं। बता दें कि दिशा का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में साल 1992 में हुआ था। इन तीनों के अलावा साउथ की फिल्मों में ऐसे अनेक अभिनेता अभिनेत्री एक्टिव हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं।